सिया कब्रस्तान में जो प्रोग्राम किया जा रहा है, ये सिया असना जमात की तरफ से इजहार तशक्कुर का प्रोग्राम है। कॉरपोरेशन में अभी के हमारे कमिश्नर भालचंद गोसावी साहब जो ये सोच रहे होंगे कि मैं तो यहाँ सिर्फ 15 लाख का बजट दिया और इतना खुश लोग क्यों हैं, वो इससे ज़्यादा बजट भी कई जगह दिए हैं, मगर यहाँ वो खुशी जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो आयुक्त साहब भी महसूस कर रहे होंगे। उनको ये जानकर और खुशी होगी कि सिया कब्रस्तान में पहली बार महानगर पालिका खुद का कोई बजट दे रही है। और ये उससे ज़्यादा खुशी की बात है कि नासिक ज़िला, मेरी मालूमात में यहाँ तक के धुलिया भी, सिया जमात के किसी फर्द का इंतकाल होता है तो उसको यहीं दफन किया जाता है मालेगांव में। मैं कमिश्नर साहब को बोला भी था कि ये आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मुझे नहीं पता, मगर ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो इस जमात के लिए। इस जमात का ताल्लुक निहाल साहब के वक्त से, अली अकबर मरहूम मेंबर थे, हादी सेठ, अख्तर सेठ, इनसे निहाल साहब के वक्त से एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है। साहब जब अव्वलीन मेयर बने तो उस वक्त जहां आज वाल कंपाउंड होने वाला है, मेरी समझ से इसी जगह को ठहराव करके इस जमात को दिया गया था। उस वक्त इसका ठहराव किया गया था और आज कमिश्नर भालचंद गोसावी साहब के वक्त उसका वाल कंपाउंड बन रहा है। यानी 2003-04 के बाद आज हम 2023 में हैं, तो अगर इसकी लिंक मैं देखूं तो 2004 से आज 2023 से जुड़ी हुई है। मैं कमिश्नर साहब का बेहद मशकूर हूं कि उन्होंने एक ज़रूरी काम में कॉरपोरेशन का अपना बजट दिया और वो काम आज होने वाला है। वाल कंपाउंड के बाद यहाँ के लोग ऐसा चाहते थे, तो बारिश होने लगी नहीं तो वो बताते थे कि नीचे का कुछ हिस्सा जो ज़मीन पर है वो हो जाए और कोई थोड़ा डोम जैसा कोई काम काज वहाँ हो जाए, तो जो बारिश में ये तकलीफ़ वगैरह होती है इनको मीटिंग लेने में या कुछ, तो तकलीफ़ इनकी दूर हो जाएंगी। सिया जमात का रिश्ता इस शहर से भी बड़ा पुराना है और मालेगांव शहर की कामकाज में हमेशा इस जमात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कभी कौम और शहर का सवाल आया और इत्तेहाद दिखाने की बात आई तो इस शहर में कभी सिया जमात की तरफ से इत्तेहाद नहीं दिखाया गया, ऐसा नहीं हुआ, बढ़ चढ़ कर इत्तेहाद दिखाने की कोशिश की गई। हमेशा कौम और शहर के लिए इस जमात ने कुर्बानी दी है और ये बात हम हमेशा महसूस करते हैं और हम चाहते हैं कि इस शहर में, इस शहर की तरक्की के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए हमेशा इत्तेहाद होना चाहिए, भाईचारगी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इत्तेहाद और भाईचारगी नहीं रहेंगी वो शहर कभी तरक्की नहीं करेगा। और आप देख रहे हो कि हमारे शहर की हालत दिन ब दिन कितनी ख़राब हो रही है। मेरे ख्याल से इस वक्त बारिश का अरसा कम आया, मगर ये 8 दिन में जो बारिश आई तो कमिश्नर साहब भी कॉरपोरेशन यहाँ से जाएंगे आएंगे तो समझ में आएंगे कि इस शहर को कितनी ज़रूरत डेवलपमेंट और काम काज की है और सही जगह पर फंड देने की ज़रूरत है। फंड वो दे भी रहे हैं, बस मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वक्त पे टेंडर प्रोसीजर करें, वक्त पे काम काज हो, इस प्रशासन पे इसके लिए लगाम लगाएं। सब कुछ हो रहा है मगर जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उस पर वो ध्यान दें। मौलाना जी, मेरे साथी मुस्तकिन भाई और दूसरे मौलाना साहब यहाँ पर उपस्थित सभी भाई, मुस्तकिन भाई ने मुझे अभी आपको सब बताया, मेरे पास करीबन 1 महीना पहले आए थे मेरे भाई लोग, आए थे सब कंपाउंड वॉल के बजट के लिए। तो मैंने बोला ये नेक काम है, मैं पहले यहाँ पर विज़िट कर चुका हूँ तो ये नेक काम है, नेक काम में देरी नहीं होती है, ये मैंने तुरंत मैं उसको सैंक्शन भी किया है। और मुस्तकिन भाई ने जो बात जो बात बोली है और उनकी जो डिमांड है, मैंने मौलाना जी मुझे मिलने आए थे 2-4 रोज़ पहले,
बोले मैं नासिक से मिलने आया हूँ। मैंने बोला ये तो ठीक है, 15 लाख का कुछ काम है और भी 50 लाख 60 लाख का कुछ काम रहेगा तो मुझे बोलना, मैं वो करके दूँगा। तो ये जो आपने जो डोम की बात की थी उसका प्लान एस्टिमेट अपन बनाएंगे, पहले ये वॉल कंपाउंड का काम कर लो, क्योंकि जो भी बड़ा काम करना है तो वो सेफ जोन में चाहिए, सेफ गार्ड में चाहिए, पहले वॉल कंपाउंड का काम कर लो, बाद में उसका एस्टिमेट वगैरह जो भी रहेगा 50-60 लाख रुपया वो भी देने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं वो काम करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी ये तो बहुत नेक जगह है, जो अच्छे काम है वो नेकी से ही होते हैं, तुम्हारी सोच नेक रही तो अच्छे काम होते हैं। और मैं शहर में मैं यही पाक जगह का एक वास्ता देके मैं बात करता हूँ, जो भी मैंने डिसीजन लिया है शहर के लिए वो नेक काम के लिए लिया है और आगे भी नेक ही करता रहूँगा। शुक्रिया।